तो आज का सेशन है सेशन नंबर 40, और जो सेशन एजेंडा है वो है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ जिप्सम, जिसे आप कैल्शियम सल्फेट के नाम से या CaSO4 के नाम से जानते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ द कैल्शियम इन वाटर जो आपके एक्वा कल्चर में सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ फ्री अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एक्वा कल्चर। और जितना भी सेशन होगा हमारा हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। टूडे सेशन इज 42, एक कदम मत्स्य पालन सफलता की ओर। इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल। तो जो आपका श्रिम्प फार्मिंग, क्रैब फार्मिंग, फिश फार्मिंग, कैट फिश फार्मिंग, सब कुछ आपका जो ग्रोथ और सर्वाइवल है वो उसका मिनरल पर डिपेंड करता है। सो मिनरल इंबैलेंस आर वन ऑफ द रीजन फॉर क्रॉप फेलियर। जिप्सम, जिसे आप कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, इज मोर सॉल्यूबल देन लाइमिंग मटेरियल। जो आप नॉर्मल चूना यूज करते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो मोर सॉल्यूबल है आपके वाटर में। कैन बी यूज टू इंक्रीज द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर बियॉन्ड दैट पॉसिबल विद लाइम। जो लाइम से पॉसिबल नहीं है, पर जिप्सम के सॉल्यूबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो हार्डनेस को बढ़ाता है। द लो कॉस्ट एंड हाई सॉल्यूबिलिटी ऑफ जिप्सम मेक इट आइडियल फॉर यूज इन द मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम लेवल इन हैचरी सिचुएशन एंड श्रिम्प फार्म। तो बहुत ज्यादा ये आपके आयनिक बैलेंस के लिए और हैचरी कंडीशन में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो जिप्सम जनरली आप जितना भी फर्टिलाइजर शॉप पे उन पे और आपको इजीली मिल जाता है। कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी होता है और CaSO4 जो उसका टेक्निकल नेम है। इट इज कॉमन टू अप्लाई मिनरल सॉल्ट सच एज जिप्सम, क्योंकि वो एक सॉल्ट का ही पोर्शन है और नेचुरली आपको मिलता है। To low salinity shrimp ponds, low concentration of calcium and occasionally of magnesium may adversely affect shrimp survival and growth in low salinity farmer. तो जो farmer हैं जो inland saline ground water, low salinity water या fresh water में culture कर रहे हैं, उनको ये बहुत अच्छे से understand करने का जरूरत है कि जितना salinity important है उतना ही और जो आयनिक बैलेंस है जिसमें आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम तीनों की जरूरत है। तो केमिकल फॉर्मूला की अगर बात करें सॉल्ट के लिए जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट और उसके अनदर इंग्रेडिएंट जो है वो वाटर के साथ में रहते हैं। तो उसमें दो आयन्स आपको मिलेंगे, कैल्शियम और सल्फेट। कैल्शियम को CA से आप डिनोट करते हैं और सल्फेट को SO4 से। अगर उसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो CaSO4 और टू आयंस H2O के हैं वाटर के साथ में। कैल्शियम का जो परसेंटेज है उसमें 22% है और सल्फेट 53% के नियर अबाउट आपको मिलता है। यूज ऑफ कैल्शियम बहुत ज्यादा आपका यूज है कैल्शियम का, इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी एंड हार्डनेस, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, मेंटेन द एल्कलिनिटी लेवल जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल के लिए और गुड पॉन्ड बॉटम कंडीशन के लिए जरूरी है, इम्प्रूव ओवरऑल कंडीशन ऑफ द फिश, इम्प्रूव बायो सिक्योरिटी ऑफ द फार्म, बोन स्केलेटन फॉर्मेशन एंड एग डेवलपमेंट जो हैचरी कंडीशन में बहुत 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 ज्यादा जरूरी। डोज ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट, अगर कैल्शियम का आप देखें तो कैल्शियम डोज डिपेंड ऑन द करंट सैलिनिटी लेवल। तो जो आपका सैलिनिटी लेवल है आपको वो पहले पता होना चाहिए, वो आप डिजिटल मीटर, रिफ्रेक्टोमीटर किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो डोज रिक्वायर्ड होगा सैलिनिटी इंटू मिनरल मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो आपको मैजिकल टेबल से मिलेगा, माइनस करंट कंपोजिशन ऑफ द मिनरल इन द वॉटर जो आपका करंट प्रेजेंस है कैल्शियम का करंट वॉटर में। तो कैल्शियम का जो मैजिकल फॉर्मूला में वैल्यू है 11.7 के अप्रोक्स है और करंट वैल्यू ऑफ द कैल्शियम 43.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो
तो आप उसको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे सैलिनिटी से 5 × 11.7, और जो करंट वैल्यू है वो 43.5 है। तो 58.5 − 43.5 = 15 mg/L, जो आयनिक बैलेंस के लिए चाहिए इतनी वैल्यू आपको चाहिए होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ द मिनरल फर्टिलाइजर की कितना आपको डोज लगेगा, तो जो डोज आएगा आपका ग्राम पर मीट्रिक क्यूब में आएगा डिजायर्ड कंसेंट्रेशन ऑफ द मिनरल आयन, जो भी उसका आपको कंसेंट्रेशन चाहिए, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ द मिनरल आयन इन फर्टिलाइजेशन, कितना परसेंटेज है उसका डिवाइड बाय 100। एग्जांपल से समझते हैं। डोज रिक्वायर्ड कैल्शियम का जो है 22% ऑफ कैल्शियम एट द रेट 15 mg/L, तो 22 कैल्शियम का है डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 100। ओके तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक कुछ करेक्शन उसमें जरूरत पड़ेगा। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम और सोडियम के आपकी सैलिनिटी के अगेंस्ट में। तो एंटायर साइकिल में, एंटायर क्रॉप साइकिल में आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा, और 3 to 4 times आप उसको मेजर कीजिए अपने एंटायर साइकिल में, बिफोर स्टॉकिंग द सीड, इन बिटवीन, बिफोर हार्वेस्टिंग और लास्ट क्रॉप साइकिल के टाइम पर, और उनको इन द कल्चर पीरियड वो मेंटेन करने का कोशिश कीजिए, सो दैट यू कैन गेट द गुड सर्वाइवल एंड सक्सेस इन योर वेंचर। कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं, कुछ भी सुझाव हैं, कुछ भी कमेंट हैं, निगेटिव पॉजिटिव और भी किसी विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। हम अपनी टीम के साथ उस पर पूरी रिसर्च के साथ वो इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ पूछना चाहते हैं तो 9971155753 इज अ नंबर। वी आर एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेसेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। वी आर वर्किंग एज अ प्रोग्रेसिव फार्मर, ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर, कंसल्टेंट, बिजनेस प्लानर एंड पार्टनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।